और पराग जी नमस्कार, कैसे हैं पराग जी आप? बहुत बिजी लग रहे हैं लगता है यहाँ पर। हाँ, पराग जी से आपकी मुलाकात पहले भी हुई होगी, लेकिन पराग जी के स्टाइल का सिनेमा ये एक अलग ही सिनेमा बन रहा है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय उस तरह के सिनेमा बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पराग जी इस सिनेमा को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप प्लैनेट भोजपुरी के साथ? सबसे पहले तो प्लैनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। और ये एक सरप्राइज़ था कि शुभम भैया इंटरव्यू ले रहे हैं, और क्या कहूँ, ये मेरे रेगुलर जॉनर से मैं एक दूसरे जॉनर की फिल्म बना रहा हूँ। और सबसे पहला श्रेय देता हूँ मैं अपने लेखक को, जिन्होंने मुझे इस जॉनर की स्क्रिप्ट दी और इस जॉनर की स्क्रिप्ट में बहुत ही कम्फर्टेबली काम करने का मौका दिया। और फिल्म देखने के बाद ही आप लोग तय कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को निभा पाया हूँ या नहीं। एक तो हम ये जानना चाहेंगे प्लैनेट भोजपुरी के ज़रिए कि ये प्लैनेट भोजपुरी के लोग जो देखते हैं वो आपकी सिनेमा क्यों देखें? देखिए, सबसे पहले तो इस फिल्म का टाइटल है सरकाइलो खटिया जाड़ा लागे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें खूब मैंने खटिया सरकाई है जी। और इस खटिया सरकाने का मतलब ये है कि कॉमेडी के माध्यम से मैंने खटिया सरकाई है जी। और ये एक टोटल एंटरटेनर है कि जहाँ पर लॉजिक से लेके बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉजिकली कहा जाता है, तो लॉजिक से इस फिल्म से मैं बहुत दूर हूँ और एक प्रॉपर एक थरो एंटरटेनर बनाई है और लोगों को पसंद आई है। अच्छा पराग जी, इस फिल्म के जो किरदार हैं, आपके फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइए। और थोड़ी सी, मुझे पता है आप स्क्रिप्ट के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि दर्शक उसका मनोरंजन ले सकें। देखिए, मेरे फिल्म के किरदार हैं, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई शुभम तिवारी जी जो इस फिल्म में हीरो प्ले कर रहे हैं, और साथ में इनका साथ दे रहे हैं अरविंद अकेला कल्लू जी, और हीरोइंस के रूप में रितु सिंह हैं, किरण सिंह हैं, उसके बाद में अवधेश मिश्रा हैं, मनोज टाइगर हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इस फिल्म के किरदार को निभा रहे हैं। और मैं क्या कहूँ कि शुभम भैया कर रहे हैं बिरजू, और हमारे कल्लू जी कर रहे हैं सरजू, और लाला का कंगन गायब है, तो आप सोच सकते हैं कि मदर इंडिया इस बार मैं भोजपुरी में ला रहा हूँ। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये पराग जी का कहना है कि ये समथिंग डिफरेंट करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पराग जी हर वक्त डिफरेंट ही किए हैं, और ये इनके जोनर का सिनेमा नहीं है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है पराग जी के साथ। लेकिन ये सिनेमा करते समय ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है हमको बताते समय कि भाई आप ऐसा नहीं वैसा चाहिए, और वो भी इतने बड़े बड़े स्टारों को, जैसे कि अवधेश भैया को भी ऑन सेट जो बताया जाता है, एक डायरेक्टर जो प्रॉपर तरीके से बताता है आर्टिस्ट को कि ऐसे करना है, ये इट वॉज जस्ट ऑसम। और मैं चाहूँगा कि पराग जी इस फिल्म के जो कुछ और खास तथ्य हैं, जैसे कि गाना हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस फिल्म का नाम है सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, और ये टोटल एंटरटेनर है गानों के माध्यम से, स्क्रिप्ट के माध्यम से, सीन्स के माध्यम से, इवन एक्शंस के माध्यम से, ये टोटल कॉमेडी एंटरटेनर है। एंड दिस इज़ अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म जो मैं फर्स्ट टाइम एक अलग जॉनर की पिक्चर कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि मैं अलग जॉनर की, लेकिन सचमुच ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं एक थ्रू आउट एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ, तो ये सचमुच एक अद्भुत अनुभव है मेरे लिए। अच्छा, और अब ये मैं चाहूँगा कि सरकाइलो खटिया की टीम की तरफ से आप प्लैनेट भोजपुरी को एक बार सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और बिल्कुल, मैं प्लैनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को सरकाइलो खटिया के टीम की तरफ से प्लैनेट भोजपुरी के लिए सब्सक्राइब करें, और हमारे लिंक को शेयर करें, और सरकाइलो खटिया जारा लगे के इंटरव्यू का आनंद ले। पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का आप सभी को नमस्कार। प्लैनेट भोजपुरी।